नित्य वर्ती सिखानो ताई समय दा पता सी, पर दूजिया लोगों को भी पता लग गया। जिहड़ी विसाखी की असी याद मना के हटे हाँ, तो पूरे सिख जगत में इस गल का चर्चा है कि 1999 की जिहड़ी विसाखी आनी है पूरी कौम उदों तक अमृतधारी हो जाए। गल तो टीचा बहुत उत्तम है, बड़ी वड्डी है, असी बड़े पछड़ गए। इत्थे फिर एक गल बड़ी पते की याद रखने वाली है, असी जदों ऐलान करते हैं ना कि 1999 की विसाखी नूं पूरी कौम नूं अमृतधारी कर देना, ये जी तह थले एक गल लुकी है कि असी अमृतधारी नहीं। जदों असी आखिए जागते रहो, इहदा मतलब है चोरां दा डर है। कोई आदमी जदों स्पष्ट करदा मैं बड़ा शरीफ हाँ, असल विच अपनी ना शराफत की जिंदगी छुपा रहा हुंदा, वरना शरीफ आदमी नूं कहण दी की लोड़ है कि मैं शरीफ हाँ। लोग जानते ने कि तू शरीफ है। कौम विच बहुत बेअमरते रह गए। अज कौम ने अनुभव किया कि आओ ये घाटा पूरा कर लीए, पर एक घाटा भी सिख कौम च पिया जे दूजिया कौमां नूं नहीं पिया। आ भी गल जिहड़ी है ना चेते रखण वाली है, वापरदी है रोज़। असां कदे लाउड स्पीकर लगा के इश्तहार छाप के हिंदू नूं इह गल आखदिया नहीं सुनिया कि हिंदुआं दे मुंडे हिंदू बन जाओ। वो समझदे ने हिंदू दे घर जन्मे है, यज्ञो पवित कर दिता तो गल च जन्यू पा दिता, एवें रहन नहीं दिता तो हिंदू बन गया, गल खत्म हो गई। कदे ईसाइयां दे पादरी ने कदे नहीं ये गल आखी कि ईसाई बन जाओ। मुसलमान ये गल नहीं आंदे भी मुसलमान बन जाओ। असी आने भी साड़ी आने वाली जनरेशन जिहड़ी है और नवी पीढ़ी के नौजवानों तुसी गुरु वाले बन जाओ। क्या जी बात है, असी किन्ना चिर भुले रहे भी गुरु वाले बने नहीं, ताई गुरु वाले बनना है ना। अपने आप की घाट ना महसूस करिए भाई, जे असी ये घाट ना पैन देंदे तो इस नारे की लोड़ नहीं सी पैनी। बाकी दुनिया ने ध्यान रखिए अपनी अपनी कौम, उन्होंने घाटा पैन नहीं दिता। जरा तुसी अपनी गवांढी कौम वाल वेख लो, जेड़े नगर विच कोई एक घर ईसाइयां दा सी, अज उत्थे घट्टो घट 10-20 घर ने, 100-100 घर भी। हर पिंड विच उन्हां दी आबादी च ईसा नगर वखरा बन गया। ये सारे नवे ईसाई इधरों बन के गए ने ना, भावें मजहबी सिखां चों बन गए, भावें दूजियां तीजियां चों बन गए, पर बने तो हैं ने। जमांदरू ईसाई इत्थे है नहीं सी कोई भी। इसे तरह मुसलमानां दी आबादी वधी पर साडी आबादी घटी है। इहदे कई सारे कारण, एक ते असां इनू इतना औखा कर दिता है कि आदमी घाबर जाता है कि मैं अमृत छक के इनिया पाबंदियां पाल सकां। भई जे तू अमृत छक लिया ना तो सिखा घर जा के रोटी वक्री खाई, कितने बेअमृता न्याणा तेरी थाली नूं हाथ ना ला दे, तो अमृत छकन तो भी डर जाता। फिर जब बाल बच्चा मार ला पहला तो ही अमृत छकाना, ये न्याणे नूं तो मैं घरों कढ़न रहा, अन्याणा तो भावें मैनूं घरों कढ़ दे। वो भाई अमृत कोई एडी कच्ची बात नहीं कि जे एक बोध बालक जड़ा है वो तुहाड़ी रोटी नूं हाथ ला दिंदा ते तुहाड़ी रोटी च तुहानूं अमृत तुहाड़े अंदरों खंडन हो गया। अमृत ते जिंदगी नूं अमर करन दा नां है। इस तरह दीआं पाबंदियां लगा के असी इनूं इतना औखा बना दिता है कि किसे बंदे नूं आखो आंदा यार साल होर ठहर जा, मेरे कोल पाबंदियां नहीं पूरियां होणियां। कोई पाबंदियां की चर्चा जे ना करिए तो जो कुछ गुरु महाराज ने आख्या सिर्फ उन्हें ही आख छी, अपने कोलों कुछ ना गांडा लाइए फिर गल बन जाएगी। असा अपने कोलों गांडे लाए ने बड़े, असी जदों बहुतियां पाबंदियां कोलों लाने ना उदों भी गल बिगड़ जाती। सिख जगत में अजे तक खाण पीन का विरोध तुरिया हुंदा, मैं समझना इनू जिन्ना औखा कर दोगे उन्हें लोग ये तो भज जाण। अपने कोलों कोई गांडा ना लाइए, जो कुछ गुरु महाराज ने किया रहन दी ते ना साढ़े को अख्तियार ही है कि वो असी कोई वाधा घाटा कर सकी। जे असी
बाणी जी किसे लग मात्र नूं अपनी मर्जी नाल नहीं लिख मिटा सकदे, ते फिर गुरु दी बनाई मर्यादा नूं असीं किवें तोड़ के वध कट कर दें। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ा वड्डा इकट्ठ बुला लिया, वड्डा इकट्ठ गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कर लिया। इस इकट्ठ का जिक्र असी अपनिया जन्म साखियां चो लभीए ते शायद कोई पक्षपात हो जाए, वधा के भी लिखांगे। साढ़े हुण जलसे जलूस हुंदे ने, जे ते सरकारी रिपोर्ट छपी पढ़ीए उहदे अंकड़े होर हुंदे ने, ते जे असी अपनी मर्जी नाल अखबार नूं बयान लिख के दईए ते उहदे च असी 2-3-7-5-7 हज़ार वध भी लिखा देने, इन्नी हाजरी सी। औरंगजेब का एक रिपोर्टर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार च बैठा, इहदी छपी किताब ते नहीं मिलती, उहदी हथ लिखत का एक खरड़ा दिल्ली की सैक्ट्रिएट की लाइब्रेरी च पिया, ये परशियन जबान च लिखी है पर बहुत ही गूढ़ी फारसी नहीं, थोड़ी फारसी पढ़िया बंदा भी समझ लेंदा। उस लाइब्रेरी के प्रबंधक किसी किताब बाहर नहीं खड़न देंदे, क्योंकि नायाब किताबा ने, आउट ऑफ प्रिंट ने, कोई उत्थे चंदा जमा करा के आखे भी मेरे को किताब का मुल लै लो, तो जी छपदी नहीं वह मुल की, वह कहते ने इतने बह के पढ़ लो, इन्ना कि वेल उ बह के पढ़े। मैं वो कुछ सफे पढ़े, मेरे नाल एक होर सज्जन सन ज्ञानी बूटा सिंह उन्हों का नाँ सी, वो परशन के भी बड़े उस्ताद सन, साढ़े को बहुता समा नहीं सी पर अपने मतलब की गल असी पढ़ी। हकीम अबुल तराब उसका नाँ है, वो कहिंदा कि मैं औरंगजेब नूं रिपोर्ट देने वास्ते कि इत्थे गुरु ने की करना है उत्थे पहुंचा, ते फिर वो कहिंदा कि जिस वेले दरबार लगा वो सब तो पहला लोगों की हाजिरी लिखद, कहिंदा मेरे ख्याल विच 50,000 लोग हाजिर सन, साढ़े साखीकारा ने 80,000 लिखे। वो गल मैं पिछे कर रहा कि असी सच नूं ठीक सच नहीं रहन देंदे, एक दुश्मन जो कुछ आखदा है वह वधा के नहीं आंदा, तो जो कुछ उन्हें वेख्या उहदे विच तो किसे तरह कसर नहीं ना छड्डदा, कहिंदा मेरे सामने सारा कुछ होया। हकीम अबुल तराब का कहना है कि जदों 50,000 लोग सज के बैठ गए तो लोगों विच चर्चा सी कि कोई नवी गल होनी है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज स्टेज पर आ गए, उधर तो उन्होंने चिट्ठियां पातियां, उधर उन्होंने सोचना शुरू किया कि खालसा सिरजना किदां दा, क्योंकि एक नमूने दे सिख नूं सर्टिफिकेटड करना है, जिवें कोई बंदा यूनिवर्सिटी च बीए करता है तो यूनिवर्सिटी उसनूं डिग्री देंदी, सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह डिग्री देन लगे ने कि तू अज पास हो गया। असी जिहड़े इह गल आने ना भाई बहुते क्यों ना उत्थों उठ के खड़े हो गए, पांच ही क्यों निकले सन, जमात किन्ने मुंडे हुंदे ने जी पर सारे तो डिग्री लैके नहीं निकलते, जिहड़े पांच प्यारे असी अरदास जिन्हां नूं याद करने आ, जिन्हां ने विसाखी वाले दिन गुरु के शब्द तो जन्म लिया, जिन्हां उन्हां दे दस्ते मुबारक तो खंडे बाटे का अमृत पान किया, इन्हां दी गुरु महाराज नाल जान पछाण की जिहड़ी कोई तारीख बनती है ना, वह 18 तो लैके ते 22 सालों तक बनती है। कोई तो गुरु महाराज का श्रद्धालु 18 वरिया का, कोई 25 वरिया का, कोई 20 वरिया का, बिल्कुल अनजान ते नवे नहीं सन। हुण रही गल एक होर कि गुरु महाराज ने केसां की पाबंदी उदों लाई कि वह केसां धारी नहीं सन, ये गल भी मेरी याद रखियो, हिंदुस्तान का हर मनुख पुराने समय च केसां धारी हुंदा सी, ये रिवाज बड़ी देर बाद बनिया केस कतल करन दा, मेरे हिंदू वीरां ने इनू अपना लिया। तुसी कहोगे बड़ा गलत काम किया उन्हें, अपने वड्डियां वडेरियां की गल छड़ के अपना लिया। फरीद की बाणी च लिखते ने, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़े गरीबान में सिर नीवा करवे। उन्होंने तो अपने वड्डियां वडेरियां की रवायत छड़ दी, पर असी वेखिए असी भी अपने वड्डियां वडेरियां की कोई रवायत संभाल के रखिए, असी तो थोड़े समय से छड़ दी है, तो उन्होंने इतिहास तो बहुत हज़ारों साल पुराना है।
हुण तुसी टीवी ते वेख लिओ, तमाम रिशियां दे दाड़े ने ते केस ने, उत्थे कोई दाड़ी दाड़ी मुन्नी वाला रिशी नहीं तुहानू लभदा। असल विच बड़े वड्डे अध्यात्मकवाद की निशानी है। हुण तुसी आखोगे ते जेड़े वो देवते या अवतार पेश कर दें उन्हां दी दाड़ी नहीं हुंदी, घर जाके सोचोगे किसी ते सवाल भी कर सकते हो, रामचंद्र की दाढ़ी नहीं, कृष्ण की भी दाढ़ी नहीं, वो दाढ़ी ना होने का सबूत इस प्रतीक नाल देंदे ने कि वो कदे बुढ़े नहीं होंगे। आ निशानी आम आदमी बुढ़ा हो जाता। उन्हों का टीचा है कि ना कृष्ण बुढ़ा होया ना राम बुढ़ा होया, कोई अवतार बुढ़ा नहीं होया, क्योंकि वो उत्ते आम आदमी वाग मौत हावी नहीं, वो मर्जी नाल आउंदा ते मर्जी नाल तुर जाता। पर फिर भी एक रब्बी खेड जड़ी है उसके मुताबिक वो घटना जड़ी है वो अकल की कसौटी ते पूरी नहीं उतरती। आदमी जन्म लेंदा जवान हुंदा ते कुदरत अपने निजम नाल उसनू दाढ़ी केस दे देंदी, जमदे बच्चे दे सिर ते केस नहीं हुंदे, रुक पैंदे ने। इहदे विच बंदा आप ही बड़ियां अदला बदलियां करदा। मैं बड़ियां बीबियां नू वेख्या तो जन्म तो बाद बच्चे का सिर चंगी तरह साफ नहीं कर दिया तो उनकी जड़ावां बज गई, बदोबदी नहीं जो बज दी बन लेंदियां ने, जब उन्हें साफ नहीं करना तो जड़ाव बज जाएगी। तुसी आखोगे साध किवें जड़ावां बढ़ाउंदे ने, लंबे केसां नू बोड़ का दुध ला के बन छड़दे ने, उदां ही पक जाते हैं जड़ावां बन जाएं। जड़ां का बिल्कुल थले का हिस्सा जिहड़ा वह नहीं बजा हुंदा, ज्यों ज्यों केस लंबे होंदे जाण थल्यों थल्यों बनी जाणा, यह है साड़ी अपनी क्रिया। पर जिहो जिहा सरूप सानू परमेश्वर ने दिता है वह जिहो जिहा किसी नू मिल गया उहदे विच कोई वादा घाटा करना दिस पैंदा है। प्रार्थना कर रहा सा केसां दे बारे च, गुरु अमरदास महाराज के समय विच एक हुक्मनामा पुरानियां जन्म साखियां चों मिलदा है कि गुरु नानक दा सिख केस ना कतल करे। इहदा मतलब है बहुत चिर पहला उन्होंने सिखी ते पाबंदी लाती है ते इस पाबंदी के मुताबिक जेड़े गुरु महाराज नाल तलक रखते सिख विसाखी वाले दिन हाजिर होए ने वो सारे केसां तारी सन, उन्हां नूं मुड़ के केस रखण की लोड़ नहीं पई। रही गल असी केस रखण की हदायत करिए, ये बिल्कुल वाक गलत है। सिख केस रखता नहीं, हुंदे ने केस, सिख सिर्फ केस कतल नहीं करता। जिन्हों दाढ़ी ना होगे वो कितों लाएगा बई, जे सिखी का प्रचार असी नेपाल च जाके करना हो गोरखियां नूं ते बहुतियां नूं, कोई 60% गोरखियां नूं दाढ़ी उगदी नहीं, उन्होंने फिर सिख नहीं बन सकते। जिहो जिहा सरूप गुरु ने दिता है कोई आदमी जमांदरू गंजा हो जाता है उन्हूं केस कितों लिया के दोगे। इहदे उत्ते बड़े विद्वानां ने अपनी अकल दौड़ाई ते केस दा अर्थ केसकी भी करदे, जो केसां दी राखी करे वह कहिंदे ने बाकी दीआं चीज़ां बाहरों आईआं ते केसकी भी बाहरों आई। केस ते जमांदरू बंदे नूं हुंदे ही ने कतल करना मना है। खैर जिथों तक इस गल का सवाल है पई उस वेले दे सिखां दे केस सन, इहदे लई कोई बहुत सोचण दी लोड़ नहीं, कल्ले सिखां दे नहीं पूरे हिंदुस्तान दे हिंदुस्तानी इस तो कुछ समा पहला सारे केसां धारी सन। केस कतल करन दा रवाज कुछ सजावां चो आया। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी दे भरा रुक्मण नूं सजा दित्ती। जदों रुक्मणी नूं लै के आ गए, हरण कीता उहदा, ते रुक्मण ने फैसला कर लिया भी वह छड्डेगा नहीं, कृष्ण नूं मारेगा। उहदे मगर भज्जिया राह च आ के लड़ाई होई, भगवान कृष्ण ने रुक्मण नूं बन्न लिया। जदों उहनूं मारन लगे ते रुक्मणी दोहां दे दरम्यान खड़ी होई, उन्हें आखिया भगवान मेरा भरा है इन्हू मारो। भगवान कृष्ण कहन लगे रुक्मणी तेरे मेरे दो रिश्ते ने, तू मेरी पत्नी भी है ते प्रेमिका भी। मैं पत्नी की गल तो मोड़ सकदा पर प्रेमिका की गल नहीं मोड़ सकदा, मैनू मननी पएगी। पर यह गल जरूर है कि मैं इनू सजा दिते बिना छड़ना नहीं, ना मारो कोई होर सजा दे दो। उन्होंने वो दाढ़ी मुन दी, उसके केस कट दिते। वह मुड़ के शर्मिंदगी का मारिया अपनी राजधानी से नहीं गया, सलास
गुरु ग्रंथ साहब च एक पंक्ति है, उहदे पिछे कहानी है। एक राजा जनमेजा दे मती वर्ज व्यास पढ़ाया। कहानी यह वे कि ऋषि वेद व्यास ते राजे जनमेजे दे दरम्यान एक बहस हो गई। राजे जनमेजे ने आख्या, ऋषि देव जे भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण अवतार सी ते उन्हें महाभारत का युद्ध डक क्यों ना दिता, क्यों इन्ना खून खराबा होने दिता। वेद व्यास कहन लगा, ये कर्म की गति है, नहीं टलती, किसी पीर पैगंबर तो भी नहीं टलती। उन्हें आख्या गलत बात है, फिर वह पैगंबर कहता है जे कर्म की गति वो उत्ते भी आ गई है तो साढ़े ते भी आ गई। उन्हें सीधे हमले भगवान कृष्ण से शुरू कर दिए। राजे जनमेजे की गल का जवाब देंदा देंदा वेद व्यास खिज गया। उन्हें आख्या, राजा जनमेजा तेरी कर्म गति बारे मैं तेनू जाणू करा देना, ते तू प्रबंध कर ला तेरे ते ना वापरे, जे ते तू अवेला लिया लंघा ते मैं समझांगा भी भगवान कृष्ण की गलती वो भी वेला लंघा सकते सन, पर जे तेरे कोलों ना वेला लंघिया फिर तेनू गल मननी पेगी। उन्हें आख्या ठीक। उन्हें आख्या जा चला जा घर, तू समा पा के एक चक्करवर्ती राजा बनन लई यग करना है, ते उस यग दा जदों तू घोड़ा छड़ना है मर्यादा दे मुताबक, जेड़ा उस घोड़े नू फड़ ले उन्हों घोड़ा छड़न वाले दी फौज नाल लड़ना पैंदा। जे वो फौज चक्करवर्ती राजा बनन वाले दी फौज दूजी फौज नू हरा दे तां उन्हां लोकां नू अधीन मननी पैंदी है, जिथों तक उहदा घोड़ा फिर जे उथों तक उहदा राज। वह घोड़ा काशी के लोगों ने फड़ लेना ही, जनमेजा तेरी उन्होंने हो पैनी है लड़ाई, तो उत्थे बड़ी कतलेआम होनी है, उत्थे कुछ ऋषि तप करते जड़े ने वह भी तू कतल कर देने, तो उन्होंने हार होनी है। हारे हुए काशी के लोगों ने तैनू एक औरत पेश करनी, उहदे विचों एक बच्चे ने जन्म लेना, उसकी खुशी च तू एक यग करना है। उस यग विच उस बच्चे की मां ने तेरी आग्या तो बिना ही आ जाना, तो जेड़े हवन ते बैठे पंडित होने ने उन्होंने वेख के हस पैना है कि राणी कोई बहुत ही अकलमंद नहीं, पति की आग्या तो बिना ही यग विच आ गई है, तो तेनू शक पै जाना है कि मेरी राणी वल वेख के हसे। तू ब्राह्मण हवन ते बैठे वेद मंत्र पढ़ दे कतल कर देना, उन्हां दी हत्या तैनू लग जाणी, तैनू कोड पै जाणा ते उस कोड नाल तू मर जाणा, जां कोई प्रबंध हुंदा ते कर लै। राजे जनमेजे ने आख्या, मैं जग ही ना करूंगा, तो प्रबंध की करना, ये बड़ी लंबी कहानी है। राजे जनमेजे ने समा टालिया, पर एक वार इतना उदास होकर बह गया भी उहदे मंत्री ने पूछा भी होया की है तैनू, उन्हें आख्या मैं मन बड़ा उदास है। उन्हें आख्या जग कर लेने, उन्होंने वेद व्यास की गल भुल गई, जग शुरू करता, जो कुछ उन्होंने दस्या सी सब कुछ हो गया। उन्हें बहुत ही पंडित सदे सन, जब उन्हें 18 ब्राह्मण ते आप कतल किए ते अपनी फौज में आखन लगा जो बाकी दे आए ने ना खीर खाने भी मार दो सारे। उन्हें आख्या राजा कृपा कर, असा अगे तेरे आखे ला के बहुत मारे ने, इन्ने तू कट्ठे कर लेने मरदे नहीं, साढ़े को मुकने नहीं, तो लोगों से चर्चा होएगी, तो इन्हों होर कोई सजा दे। उन्हें आख्या इन्हों देश निकाला दे दो, मेरे देश चो बाहर निकल जाना। वो जड़े बचे से पंडित उन्होंने उन्होंने वोरी राजधानी जनमेजे की चो कढ़ दिता। वो जो राजधानी चो बाहर निकल लगे तो उन्होंने आख्या भी की दसांगे लोगों, उन्होंने बह के हजामत कर ली, सिर भी मुन ले, दाड़ियां मुन लिया, भरवटे भी मुन ले। उन्होंने जो लोगों ने वेख्या उन्हें पूछा तुम कौन हो, उन्हें आख्या असी ब्राह्मण है। उन्हें आख्या ब्राह्मण तो इदा का नहीं होंगे, केसाधारी होंगे। उन्हें आख्या तुम्हें पता नहीं, साढ़े ब्राह्मणा के व्डिया वडेरिया की एक रस्म है कि उन्हों का अगर कोई वही पीढ़ी का बजुर्ग मर जाए तो वो अफसोस में इदा हजामत करवा। वो बड़े चलाक सन, उन्होंने आख्या सानू तो दिती है सजा जनमेजे ने, असी पूरी कौम में सजा दिया। उस सजा प्रचलित हो गई, अज भी किसी का बजुर्ग मर जाए तो बाजार चों दी लंघ दे हो
जे उन्हां कुणबिआं नाल उह तलक रखदा ते समेत परवट्टिआं दे उहने सारा कुछ मनाया हुंदा है, उहनूं वेख के पता लग जांदा वी इहदा ताज़ा प्यो मरिआ। सी ते सजा ना, बहुत प्रमाण साढ़े पुराने इतिहास चो ऐसे मिल सकते हैं कि केस कतल करना एक सजा सी, पर इहनूं फैशन बना लिआ साढ़े देश के दे लोगों ने। साढ़े देश के दे लोगों ने विदेशी लोगों वल वेखे, तुसी टीवी ते क्राइस नूं यसू नूं वेखदे हो ना, उहदे केस भी ने ते दाढ़ी भी, पर यसू नूं मनण वाला जिहड़ा उहनां चो किसे दे केस नहीं, किसे दी दाढ़ी नहीं। शायद वह समझते हैं जी उदा के हो गए तो वो शरीक ना बन जाइए, पर जिहड़ा अपने बाप की शकल वर्गी शकल नहीं रखता उहनूं लोग आखणगे कि अगाह ना जाइए। सतगुरु सच्चे पातशाह ने 50,000 लोगों नूं सद्दा दे के ते सोचना शुरू किया भई मैं जिहड़ा एक खालसा नां दा बंदा बनाउणा है। खालसा शब्द फारसी दा अरबी जबान चो आया, साडी संस्कृति दा शब्द नहीं। खालसा जमीना पुराने पटवारियों के कागजां च लिखिया ने, उस धरती नूं खालसा जमीन आंदे ने जिहड़ी सेंटर गौरमेंट के मतहत हो। गुरु महाराज ने दा खालसा ना इस करके रखा भी ये सीधा अकाल पुरख के मतहत है। उदू थले किसी भी देहधारी किसी भी दूजे तीजे गुरु नाल दा कोई तलक नहीं, दा तलक ही अकाल पुरख नाल जोड़न लगे। ते गुरु महाराज आप भी तो अकाल पुरख नाल जुड़े ने, वो अपने खालसे नूं अकाल पुरख नाल जोड़न लगे ने। इहदा नाम उदों खालसा उन्होंने धरिया, वो खालसा साजण की उन्होंने जिहड़ी कल्पना अपने मन में धारी उन्हों इन्हां शब्दां च अंकित किया। पग परी वसाखिए जियाँ मूर्तियां जीवन दान कीता, किसे माही ने तेग दी तारी विचो ते पैदा जी सी नमा जहान कीता, जिनू मनु दी निगाह नखेड़ गई सी एक कट्ठा फेरियो अज खानदान कीता, साडी स्वर्ग तो सोरी साखी दसम पिता दी जीवनल सिफत करनी है, अंबरों तोड़ना तारियानू उन्ने चुक के छाती दे नाल लाया, लोका पैरा दे हेठ लताड़ियानू शैन शहानल सामिया कर दिता, जट्टा नाइया ते छिंबिया सारियानू लोक राज दियो उसने नी रखी, अमृत बख्श के पंजा प्यारियानू ਜੋਤ ਜਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ। Thank you.
ਪਾਣੀ ਕੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਪੜੀਏ ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਪਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈ ਮਰਦ ਆਸਾਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਪਛਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟਿੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਤ ਸਾਜਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕੱਟੇ ਫਾਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਦਾਰ ਤੇ ਹੋਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਉਪਕਾਰ ਤੇ ਹੋਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ 'ਚ ਪੱਕਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਅੰਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੁੱਟ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਾਈ ਵੱਲ ਤੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਆਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਵਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ,
औरंगजेब की हुकूमत बहुत तकड़ी है, उसके कोल बड़ा बाल है। उन्हें कहा मैं सब कुछ जानना पर मैं तुहाड़ी गल नहीं मनी। उन्हें आख्या वजह जिहड़ा जवाब सतगुरु ने दिता उन्हें अपनी बाणी च लिखे। पंक्ति याद करो, सारा शब्द लभ लो। हजूर कहते ने छत्री को पूत हूं, ब्राह्मण को ना है। जवाब ब्राह्मण दे रहे, कहते ने मैं ब्राह्मण का पुत्र नहीं, कि मैं सिर्फ अकल के पैमाने तोल माफ करता रहा, मैं एक छत्री का पुत्र। तलवारों की माला फेरना मेरा ते मेरे वड्डियां वडेरियां का कम है। स्वामी तुलसीदास ने भी रामायण विच लिखे कि राम ने सारी मर्यादा क्यों निभाई, इस करके कि वह छत्री पुत्र सी। ते उन्हें छत्री कुल का अरगु कुल ना लैके उसके दादे का नाम लिया रामचंद्र दे दा। ते लिखते ने स्वामी तुलसीदास जी, रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने कि गुरु तेग बहादुर बारे आखते ने, तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन, फिकर फोर्स दलीस सिर प्रापुर कियो प्यान। वो कहते ने वो छतरी सन, इस करके धर्म निभा गए अपना। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने पंडित जी मैं ते लड़ांगा, जरूर लड़ांगा। कहते ने क्यों लड़ोगे? वो कहते ने इस करके कि छत्री को पूत हो, ब्राह्मण को ना है। कहता पावत है जो करो, मैनू बह के माला फेरनी नहीं आती, मैं तलवारा की माला फेरनी जानी। उन्हें आख्या तप कर लो ते ज्ञान नाल राजे नू समझा लियो। सतगुरु आख्या हाकम लोग जड़े ने पंडित जी ये ज्ञान की बोली नहीं समझते, ये बंदूकों की ठा ठा, तीरां की छां छां, तलवारां की खड़ खड़, ये बोली ते समझ लैणगे हाकम। पर जे आखा भी ज्ञान ते अपने वड्डियां वडेरियां का, पंडित जी धास चुके वेख लो, भगवान कृष्ण नालों वध ज्ञान देने वाला तो कोई बंदा नहीं अजे जन्मया। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें कहा फिर उन्हें बड़ा ज्ञान दिता, दुर्योधन समझ के उन्हें गया। महाभारत का युद्ध ता ही होया ना, फिर उन्होंने पता सी कि हाकम है दुर्योधन, इन्हें तीरां तलवारां की बोली तो समझ लैनी है पर ज्ञान की बोली नहीं समझी।